नमस्कार, टीवीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिल जांगिड़। चलिए रुक करते खबरों की तरफ। खबर नागौर से है, जहां जिला कलेक्टर नागौर के आदेशानुसार उपखंड रियाबड़ी में कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रोन के बचाव के लिए जनता को जागरूक करने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान लोगों से मास्क लगाने और कोरोना प्रोटोकॉल की पालना को लेकर समझाइश की गई, जिसमें उपखंड अधिकारी रियाबड़ी गौरीशंकर शर्मा, तहसीलदार रामकिशोर, विकास अधिकारी भागीरथ सिंह और पुलिस जाब्ता उपस्थित रहा। गांव काकण के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में निःशुल्क साइकिल वितरण की गई। अलवर जिले के साजापुर क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 और 10 में अध्ययनरत 29 छात्राओं को साइकिल बांटी गई। आपको बता दें कि विद्यालय में साइकिल वितरण समारोह में अभिभावक गण और शिक्षक गणों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान प्रधानाचार्य ने कहा कि साइकिल वितरण से बालिकाओं को स्कूल आने जाने में सुविधा मिलेगी। राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना निःशुल्क साइकिल वितरण, इसके तहत कक्षा 9 में अध्ययनरत छात्राओं को प्रतिवर्ष निःशुल्क साइकिल प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष हमारे 16 साइकिलें आई हैं और 13 साइकिल हमारे पिछले गत सत्र की हैं, जो कि कोरोना के कारण पिछले साल वितरित नहीं हो पाई थी। कुल 29 साइकिलें हमने आज छात्राओं को वितरित की। अलवर जिले के खेरतल कस्बे से है, जहां राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गए कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर सोमवार को सैटेलाइट अस्पताल में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया। कोविड स्वास्थ्य सहायक मुस्ताक खान ने बताया कि प्रदेश भर में हमारे साथी हाई रिस्क जोन में कार्य कर रहे हैं, जबकि हमारा वेतन स्थायी कर्मचारियों की तुलना में बेहद कम है। आज कर्मचारियों की ओर से विरोध करने के बाद मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री के नाम ज्ञापन भेजकर हमारी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। ज्ञापन में कोविड स्वास्थ्य सहायकों को कैडर में शामिल करने, कर्मचारियों की सैलरी 7,000 के स्थान पर 26,500 करने की मांगे की गई है। हम सभी साथी CHA अपनी मांगों को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं हॉस्पिटल के सामने। हमारी अपील है, जो हमें कैडर में शामिल नहीं किया गया है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें उस कैडर में शामिल किया जाए, हमारी सैलरी 26,500 की जाए और हमें CHA के अनुरूप हमें सैलरी दी जाए। हमारी यही मांगे रहेंगी और आइंदा हम इस सद्भावना के साथ अपील करते हैं और हमारी विनम्र इस अपील को स्वीकार किया जाए। आज हमने काली पट्टी बांध के सभी साथियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। आज काली पट्टी बांध कर अपना विरोध जता रहे हैं। हमें CHA में कैंडर में शामिल किया जाए और हमारी सैलरी बढ़ाकर 26,500 दी जाए। भीलवाड़ा में बढ़ते कोरोना केस के बाद अब जिला प्रशासन सख्त मूड में आ गया है। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद M नकाते ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड गाइडलाइन की पालना कराने के लिए जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। साथ ही कलेक्टर ने कहा कि गाइडलाइन के उल्लंघन पर लापरवाह लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा। अब से मास्क नहीं पहनने पर 1,000 रुपए का और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में भी BDOs को भी पेनल्टी के अधिकार है। तो मास्क यदि नहीं पहना है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, तो निश्चित रूप से सख्ती से पेनल्टी की कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही यदि दुकानों के अंदर भी भीड़ भाड़ दिखती है और मास्क के बिना सामान देते हुए दिखता है, तो ऐसे दुकानों को सील भी किया जाएगा। बढ़ते केसेस को देखते हुए मैं लोगों से यही आग्रह करूंगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना करें। साथ ही अगर आपका वैक्सीन लगाने का बाकी है तो वैक्सीन का डोज जरूर लगवाएँ। 15 से 18 साल के बच्चों को जो वैक्सीन चालू हुई है, उसका भी डोज अपने बच्चों को जरूर लगवाएं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालना करते हुए प्रशासन को, सरकार को सहयोग करें। सर, जैसा कि भी आपने बताया है कि भी चालान आज से बनेंगे, तो सर चालान का क्या रहेगा, क्या मिनिमम क्या है? चालान मास्क नहीं पहनने पर 1,000 रुपये की फाइन है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है तो 100 रुपये का फाइन है। ऐसे विभिन्न प्रकार के केसेस में फाइन है। अगर सार्वजनिक स्थान पर थूकते हैं तो उसमें भी फाइन है। तो ये सभी प्रकार के नियमों की सख्ती से पालना करने के निर्देश प्रशासनिक और पुलिस विभाग की टीम को दिए हैं और मैं और SP साहब दोनों स्वयं भी हम फील्ड में अभी एक संयुक्त रूप से निरीक्षण करने सब जगह जगह पर जाएंगे। अलवर जिले के खेरतल कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में CBO ओम शंकर वर्मा के नेतृत्व में 41 साइकिलों का वितरण किया गया। स्कूल के कार्यवाहक प्रधानाचार्य ताराचंद ने बताया कि नूरनगर के राजकीय विद्यालय में सत्र 2020-21 में पढ़ने वाली छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत ये साइकिलें बांटी गई है। इस मौके पर CBO ओम शंकर वर्मा, सरपंच प्रतिनिधि दिलबाग सिंह, स्कूल स्टाफ और अभिभावक मौजूद रहे। ईरान में श्रीमद भागवत ज्ञान महायज्ञ और हरी बोल प्रभात फेरी का आयोजन माधोपुर में किया जा रहा है। 7 दिन तक चलने वाली कथा के अंतर्गत पहले दिन 51 महिलाएं बालिकाओं द्वारा नृत्य करते हुए उत्साहित होकर कलश यात्रा निकाली गई। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TPB न्यूज़।